नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय सेल्फ नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है टॉर्च लैंप पोर्टेबल। दोस्तों, इसमें आप सभी के लिए एक टॉर्च लैंप भी मिल जाता है, प्लस उसमें आपको पोर्टेबल स्पीकर भी मिल जाता है, या आप कहिए कि इसमें आपको स्पीकर के साथ टॉर्च लैंप मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बॉक्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको इसके फीचर्स के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टच फंक्शन दिया गया है। तो दोस्तों, इसे आप टच करेंगे तो इसकी जो लाइट है उसकी रोशनी बढ़ेगी, और अगर आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होगा। तो दोस्तों, आइए हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा सा स्पीकर मिल जाता है, तो इसे हम नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर इस बॉक्स को देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आप सभी के लिए एक USB डाटा केबल मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए, तो इसे हम नीचे रख देते हैं। यहाँ पर आप ये स्पीकर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा और यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये लाइट जलेगी, तो इसे हम अभी ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और फिर यहाँ पर DC 5 वोल्ट यहाँ पर चार्जिंग करने के लिए दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर AUX केबल, यहाँ पर आपको AUX केबल लगाने के लिए दिया गया है। आपको कुछ इस तरह से इसे लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक AUX केबल है, तो इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे बगल में आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप इसे चिप लगा के बजा सकते हैं गाने को। और फिर उसके बाद यहाँ पर USB लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं और गाने बजा सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लटकाने के लिए हैंगर दिया गया है, इसे आप कहीं भी लटका सकते हैं। और अगर आप इसे कहीं भी रखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। और तो चलिए, यहाँ पर इस साइड में बटन दिया गया है, यहाँ पर मोड का बटन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मोड पर क्लिक कर देंगे तो इसका मोड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम माइनस का दिया गया है, और प्लस गाने को बढ़ाने के लिए दिया गया है, और यहाँ पर गाने को पुश करने के लिए दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दिया गया है या गाने को बढ़ाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक होल मिल जाता है, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी। अगर चार्जिंग यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगी। तो चलिए इसे हम ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर इसे यहाँ से ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जा रहा है। दोस्तों, ये रात में देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लाइट को बंद करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट को बंद कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसे आप रात में कहीं भी रख सकते हैं, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, या आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं उसे आप साइड में पीछे की तरफ, कैमरे के पीछे की तरफ रख सकते हैं। यहाँ पर अगर शॉर्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अगर हम फिर से दोबारा शॉर्ट प्रेस करेंगे तो इसकी रोशनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी रोशनी बढ़ गई है। और फिर हम इसे दोबारा शॉर्ट प्रेस करेंगे, इसकी रोशनी कुछ और बढ़ गई है। और फिर हम अगर इसे शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और अगर हम इसे फिर दोबारा शॉर्ट प्रेस करेंगे तो अब नहीं चालू होगा। दोबारा चालू करने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कलर चालू हो गया है। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो इसे आपको ऐसे टैप कर देना होगा, ये चेंज हो जा रहा है। तो आप जिस कलर पे इसे पुश करना चाहते हैं तो इसे पुश कर सकते हैं। अगर आप इसे एक बार टैप कर देंगे तो ये देखिए गुलाबी हो गया है, और फिर दोबारा कर देंगे नीला हो गया है, और फिर उसके बाद दोबारा टैप करेंगे तो यहाँ पर पीला हो गया है। और अगर आप इसे कलर को ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं जिसे आपको दोबारा से लॉन्ग प्रेस करना होगा और फिर दोबारा लॉन्ग प्रेस करना होगा, तो ये ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैटरी लो बता रहा है, तो मैंने बहुत दिनों से इसे बिना चार्ज के रखा है। तो चलिए हम इसे चार्ज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस USB डाटा केबल को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लग गया है, अब इसे हम चार्जिंग में लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल रही है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस चार्ज हो रहा है। और तो इसे हम एक बार फिर ऑन करके दिखाते हैं। The Bluetooth device is ready to help. तो दोस्तों, यह प्रोडक्ट मैंने अपने नज़दीकी मार्केट से ख़रीदा है लगभग 450 रुपये में। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मोड का बटन दिया गया है, अगर मोड को एक बार दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AUX इनपुट मोडर। तो यहाँ पर AUX इनपुट मोडर चालू हो गया है, मतलब कि यहाँ पर आपको AUX केबल लगाना होगा और फिर दोबारा इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं The Bluetooth device is ready to pair. तो दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गया है, बस आपको अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन करना होगा और इसे कनेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी मैं चालू करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर यह प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह प्रोडक्ट कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।